अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सर ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे तीन ऐसे कमाल के एप्लीकेशन जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है अगर आप उसको अपने मोबाइल में रखते हैं बतौर यूजर्स, तो आपको बहुत ही जबरदस्त फायदा होने वाला है। दोस्तों सबसे पहले एप्लीकेशन का नाम है हिडन आई, जो कि तो सिक्योरिटी एप्लीकेशन है। तो चलिए उसको ओपन करते हैं। ये सारे एप्लीकेशन जो है ना आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएंगे, तो उधर से आप इजीली उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों जी दोस्तों, तो फर्स्ट टाइम जब आप उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस इसका होगा कि हम ये हिडन आई जो एप्लीकेशन है इसको हम ओपन करते हैं। इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से होगा, आपने नेक्स्ट कर देना है और इनेबल हिडन आई पे क्लिक कर देना है। ये आपसे परमिशन मांगेगा, उसके बाद आपने एक्टिवेट पे कर देना है क्लिक। जैसे आप एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे ये आपको कहेंगे कि आप सेटिंग में जाके इसको परमिशन दे दें। जैसे आप नेक्स्ट पे करेंगे तो आप इस पैनल में आ जाएंगे। इधर से आपने वो एप्लीकेशन ढूंढना है जो कि यह है, इसको मैं इधर से दे देता हूँ परमिशन। इसको मैंने अलाउ कर दिया। अभी सीधा जाते हैं, ये देखें ये कह रहे हैं अप्लाई हिडन आई न्यूट एक्सेस टू फॉलो परमिशन, तो ये आपके इस कैमरे का परमिशन मांग रहे हैं, तो ये भी हम अलाउ कर देते हैं। और इम्पोर्टेंट में क्या कह रहे हैं, ड्यू टू एंड्रॉइड सिस्टम लिमिटेशन प्लीज एड हिडन आई टू द लॉक स्क्रीन क्लीन अप विश लिस्ट एंड डू नॉट क्लेम ऑफ द एफ ऑफ अलाउ द एफ ऑटो लॉन्च अदरवाइज द हिडन आई माई नॉट वर्किंग प्रॉपरली। अगर आप अपना मोबाइल को क्लीन अप करते हैं तो इसका सारा डेटा जो है ना वो डिलीट हो जाता है, तो बाद में ये वर्क नहीं करेगा ये कह रहे हैं। तो इधर से हम डॉट इट पे क्लिक करते हैं। ओके जी, बस इसका फिर इस तरह का इंटरफेस होता है। इसका मकसद क्या है, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है दोस्तों कि अगर आपके फोन में कुछ कोई बिना परमिशन के एंटर होता है तो ये जो सामने कैमरा है फ्रंट कैमरा आपका, ये उसकी एक सेल्फी निकाल के उसी एप्लीकेशन में रखता है। दोस्तों तो चलिए हम करते हैं कोशिश कि क्या ये वाकई में कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये देखें दोस्तों, मैंने जो है ना खुद ही जो है ना रॉन्ग पासवर्ड लगा के इस एप्लीकेशन को चेक करना था, इसलिए मैंने पासवर्ड रॉन्ग लगाया कि क्या ये सेल्फी खींचता है कि नहीं। अभी जाके देखते हैं क्या ये सेल्फी वाकई में खींचता है। तो जी दोस्तों, ये देखिए इसने मेरी सेल्फी खींची है, ये आप देख सकते हैं। ये ऊपर टाइम डेट टाइम समेत ही आ रहा है सब कुछ। तो और इधर आ रहा है इनकरेक्ट पासवर्ड, के इस बंदे ने इनकरेक्ट पासवर्ड दिए। तो इधर से जो है ना आपको बहुत ही आसानी से पता चलता है दोस्तों। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये है जो लोग जो है ना घूमने फिरने का बहुत ही शौकीन होते हैं पर उसके पास पैसे नहीं होते, टाइम नहीं होता, तो वो जो है ना बहुत ही मुश्किल में होते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त एप्लीकेशन है ये उन लोगों के लिए जो अपने घर में बैठ के जगह बिल्कुल 3D इमेज में देखना चाहते हैं, बिल्कुल हर जगह घूमना चाहते हैं। तो ये एप्लीकेशन उन लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट होने वाले है दोस्तों। इस एप्लीकेशन का नाम है साइट इन VR, साइट इन VR। तो जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं दोस्तों, ये भी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप चाहें तो इंस्टॉल कर सकते हैं उधर से। तो इधर से आपको बहुत ज्यादा प्लेसेस मिल जाते हैं। अगर आप मास्क देखते हैं तो मास्क इधर से बहुत मिल जाते हैं, टर्म्स प्लेसेस म्यूजियम्स ये सारा कुछ आपको मिल जाता है इधर से। परस करें मैं जो है ना आईफेल टावर जो है वो देखना चाहता हूँ, तो मैं इधर से सिंपली टावर पे क्लिक कर देता हूँ। ये इधर जितने भी टावर्स हैं दुनिया में वो सारे आ गए हैं दोस्तों। तो एक मिनट, तो हमने पेरिस में आईफेल टावर देखना है, तो मैं आईफेल टावर पर क्लिक करता हूँ। इसके बहुत से जो है ना आ जाते हैं, ये इमेज इसके आ गए। तो मैंने गार्डन वन पे क्लिक कर देना है दोस्तों।
ये थोड़ा सा इंस्टॉल होगा, थोड़ा सा लोडिंग लेगा, और ये देखें दोस्तों बिल्कुल 3D व्यू में वाइड एंगल में ये आपको बिल्कुल हर चीज दिखा रहे हैं दोस्तों। और जिधर ये पॉप अप हो रहा है, ये जो दायरे बन रहे, तो ये इस बात का सबूत है कि ये आपको कह रहा है कि आप इधर इधर जा सकते हैं। तो आपने सिंपली करना क्या है, जैसे ये हो रहा है आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा और लोडिंग होगा और व्यू दूसरी तरफ से हो जाएगा दोस्तों, दूसरे तरफ से। अभी हम जाते हैं इसके जो इधर ऊपर, इधर नक्शा आ रहा है तो इधर हम जा रहे हैं। तो ये देखें दोस्तों, ये ऊपर से हम आ गए, ये देखें लोगों ने क्या क्या लिखा है। तो बहुत ही बेस्ट एप्लीकेशन है दोस्तों, इससे आप कहीं भी आसानी से सब कुछ देख सकते हैं दोस्तों। देखें कैसे जबरदस्त नजारा है दोस्तों। इसके अलावा अगर आप इसको जो है ना बैक करते हैं, आपको और भी बहुत सारे कुछ इसमें मिल जाता है दोस्तों। ये देखिए मिलके वे, ये हम देखते हैं, इस पे हम टैप करते हैं, ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा दोस्तों। ये देखें कितनी जबरदस्त व्यू आ रही है इसकी, बहुत ही अजीब सा दिख रहा है दोस्तों, बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है दोस्तों। इससे आप जो है ना सारा कुछ देख सकते हैं, ये गैलेक्सी निजाम है सारा, ये देखें। और इसमें एक दूसरी फीचर ये है कि आप इसको ऐसे रखेंगे ना, मतलब मोबाइल को बिल्कुल सीधा मोबाइल में हाथ में पकड़ेंगे ना, जिस तरह आप मोबाइल घुमाएंगे उसी तरफ ये जो है ना घूमेगा, मतलब आपको हाथ से नहीं घुमाना पड़ेगा, मतलब जिस तरफ आप मोबाइल करते हैं ना ये तस्वीर उसी तरफ जो है ना स्क्रॉल होती जाएगी दोस्तों। तो उसके अलावा हम चलते हैं किसी गार्डन वार्डन में, ताकि जबरदस्त व्यू मिल सके हमें। तो इधर से हम करते हैं नेचर पे क्लिक, नेचर पे क्लिक करेंगे तो आपको नेचर के बहुत ही पिक्चर्स आ जाते हैं, बहुत ही जबरदस्त किस्म के। चले हम इधर से जो तो ये देखें दोस्तों, ये तस्वीर आ गई है। ये देखें अभी ये 3D में खुल जाएगी दोस्तों, बहुत ही बिल्कुल जबरदस्त HD क्वालिटी में। तो आप इधर से देख सकते हैं इसका नजारा, ये देखें दोस्तों कितना फुल HD तस्वीर है, बिल्कुल आपको सब कुछ इसमें नजर आ रहा है दोस्तों। ये देखें दोस्तों इलाके को देखें, कितना जबरदस्त नजर आ रहा है दोस्तों। और इधर भी आपको ये मिल जाएगा दोस्तों, ये देखें ये आपको मिल जाएगा, आप इधर जा सकते हैं दोस्तों। इससे आप लाइव मतलब वॉलपेपर भी ले सकते हैं, पर अगर मैं इधर क्लिक करता हूँ, मैं अभी इधर, तो ये देखें दोस्तों कितनी जबरदस्त एप्लीकेशन है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है, वाकई आपको पसंद आएगा। ये देखें अफगानिस्तान का झंडा आ गया इसमें, मेरे ख्याल में हम अफगानिस्तान आए हैं, ये अफगानिस्तान में ये जगह। तो ये देखें दोस्तों बहुत ही जबरदस्त चीज है। तो चलिए अब नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ के उसमें क्या क्या मिलता है आपको। तो थर्ड जो एप्लीकेशन है उसका नाम है एनिमेटेड टेक्स्ट दोस्तों। ये एक टेक्स्ट एप्लीकेशन है, जैसे आप इसको फर्स्ट बार ओपन करते हैं तो इधर से आपको तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, वीडियो का, प्ले का और जिप का। हमने सिंपली प्ले पे क्लिक करना है और इधर आपने कुछ भी लिख देना है, मैं लिख लेता हूँ DP मास्टर टेक, पहले इसको काट देते हैं और इधर लिखते हैं DP मास्टर टेक और इधर से डन कर देते हैं। अगर हम प्ले पे क्लिक करते हैं तो ये देखें आपके सामने जो लोगो जो टेक्स्ट है वो किस तरह के आ रहे हैं दोस्तों। आप इधर से इसको मैनुअल भी कर सकते हैं, ये देखें कितना जबरदस्त तरीके से आ रहे हैं, ये देखें। इधर से आप इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, अगर ऐसा करें देखें, ये इसका टेक्स्ट के साथ साथ जो है ना ये बैकग्राउंड भी चेंज हो जाता है। और इधर आप कोई सा भी टेक्स्ट लगा ले, ये देखें।
आपको बहुत सारे मिल जाते हैं दोस्तों। ये इधर से आप इसकी पावरमेट क्वालिटी वगैरह सारा कुछ सेट कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है ये भी, तो इससे आप बहुत ही कुछ जो है ना कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, ये थी तीन एप्लीकेशन, कमाल के एप्लीकेशन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी दोस्तों। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब खामखा करें, ताकि हमारी और बेल के आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। शुक्रिया।